कुछ लोग ऐसे एडवेंचरस स्टंट करते हैं जिन्हें देखकर किसी की भी सांसें थम जाएंगी। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हो गया कि हांगकांग में 68 मंजिला इमारत से गिरकर स्टंटमैन रेमी ल्यूसिडी ने अपनी जान गंवा दी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। रेमी ल्यूसिडी अपनी जान पर खेलकर स्टंट करने के लिए जाने जाते हैं। उनके स्टंट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थे। अपने स्टंट्स के लिए मशहूर 30 साल के फ्रांसीसी डेयरडेविल की हांगकांग की एक 68 मंजिला बिल्डिंग से गिरने के बाद जान चली गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ल्यूसिडी ट्रायंगुलर टावर कॉम्प्लेक्स पर चढ़ रहे थे, तभी वो गिर गए। डेयरडेविल को मौके पर ही डेड अनाउंस कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेमी का पैर फिसल गया और उसकी गिरकर जान चली गई। ऐसा कहा गया है कि वो ऊपरी मंजिल के पेंटहाउस के बाहर फंस गए थे। हांगकांग के ऑफिशियल्स के मुताबिक ल्यूसिडी को शाम करीब 6 बजे इमारत में देखा गया और उन्होंने गेट पर बॉडीगार्ड्स को बताया कि वो 40वीं मंजिल पर एक दोस्त से मिलने आए हैं। मीडिया आउटलेट ने बताया कि जब उनके फ्रेंड ने ये कहा कि वो ल्यूसिडी को नहीं जानते, तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक ल्यूसिडी लिफ्ट में जा चुके थे। सीसीटीवी फुटेज में ल्यूसिडी को 49वीं मंजिल पर आते और फिर बिल्डिंग के टॉप पर सीढ़ियों से चढ़ते हुए देखा गया। उन्हें शाम 7:38 पर कॉम्प्लेक्स के पेंटहाउस की खिड़की को खटखटाते देखा गया, जिससे अपार्टमेंट की एक और नौकरानी को पुलिस को फोन करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ल्यूसिडी पेंटहाउस के बाहर फंसे हुए थे और अपना बैलेंस खोने से पहले मदद के लिए खिड़की पर हाथ मार रहे थे। हालांकि पुलिस को उस एरिया से कुछ कैमरा भी मिले हैं और उनमें उनके ऊंचाई वाले स्टंट के कई वीडियो भी थे, लेकिन पुलिस ने अभी ऑफिशियली कोई भी रीजन नहीं जारी किया है कि उनकी जान आखिर कैसे गई। लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि स्टंट करने के दौरान ही उनके साथ ये दुखद हादसा हुआ। आपको बता दें, उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई कई तस्वीरों में वो ऊंची इमारतों के टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब वो गिरे तो हो सकता है कि वो भी ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हों। इस हादसे से तकरीबन 6 दिन पहले ल्यूसिडी ने खुद को हांगकांग में मौजूद फोटोग्राफर बताया था। उन्होंने हांगकांग के कॉजवे बे में टाइम्स स्क्वायर से अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक तस्वीर पोस्ट की, जो ट्रिब्यूट के कमेंट से भरी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।